तो भाई लोग बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच नंबर 33 है ना, इसमें दूरदांडो ढाका के सामने होगा खुलना टाइगर्स। अगर मैं पे ढाका की बात करें ना, तो जो 9 मैच खेला ना, बस एक ही मैच जीते, 8 मैच हार गए। तो सोचो इनकी कितनी ज्यादा खराब दुर्दशा चल रही है। खुलना टाइगर्स की बात करें तो 9 मैच खेला, 4 जीता, 5 हारा। इनके 8 पॉइंट से खुलना टाइगर्स एक मैच जीत रहा है, एक मैच हार रहा है। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो मैच उड़ाकर ले जाएगी, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर हम इस मैच की बात करें तो जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम के मैदान पे खेला जाएगा। इस मैदान पे इससे पहले 75 T20 डोमेस्टिक के मैच खेलेगा, जिसमें से 38 मैच में टारगेट डिफेंड और 37 मैच में टारगेट चेज। मतलब चेज और डिफेंड की दुकान ये एकदम एक जैसी चल रही है, क्योंकि यहाँ का पिच एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 171, मतलब इस मैदान पे ठीक ठाक रन बनता है। टारगेट चेज की बात करें तो 163, 163 के नीचे स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 179, 179 प्लस स्कोर बनेगा, 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकते हैं। 163 से 179 के बीच में स्कोर होगा, आप समझ जाना मामला बराबरी का आ गया। भाई साहब चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ का जो सरफेस है ना, वो थोड़ा सा हार्ड है। शुरू में 2-4 ओवर तेज गेंदबाजों को तो हेल्प करता है, लेकिन उसके बाद जो बॉल है ना, बैट पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है, बैटिंग कंडीशन है, हालांकि जो बाउंड्री लेंथ है वो 60 से 70 मीटर की, मतलब ना बहुत बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, फिर भी यहाँ पे रन बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैदान पे या तो मीडियम स्कोरिंग या फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो 49 से 54 के बीच में देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 165 से 180 के बीच में देखने को मिल सकता है। भैया यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम जीत का झंडा गाड़ने वाली है, चलो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दुरंडो ढाका की। तो भैया अगर हम यहाँ पे मोहम्मद नईम की बात करें, एकादा जो 2 मैच छोड़कर ना सभी मैचों में फ्लॉप, सेम कहानी एडम रॉसिंगटन की, जो भी 2-4 मैच खेला फ्लॉप रहे। सैफ हसन की बात करें, सैफ हसन ने बीच बीच में बढ़िया पारी खेली एक आता 2 मैच में, लेकिन बाकी के मैचों में ये भी फ्लॉप रहे। एलेक्स रोस की बात करें तो कहीं ना कहीं एलेक्स रोस वन मैन आर्मी की तरह खेल रहे हैं। सबसे बढ़िया कोई बल्लेबाजी कर रहा ढाका के लिए तो वह है एलेक्स रोस। सीन विलियम्स की बात करें, सीन विलियम्स ने अभी तक कुछ खासा प्रभावित नहीं किया, एक आता 2 मैच छोड़कर ये भी लगभग फ्लॉप ही जा रहे हैं जहां भी जा रहे हैं खेलने। एसएम महरोब की बात करें, एसएम महरोब की भी मौके मिले लेकिन मौके का फायदा ना उठा पाए, क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे। अलाउद्दीन बाबू की बात करें तो अलाउद्दीन बाबू ने कहीं कहीं और गेंदबाजी तो ठीक करके, लेकिन बल्लेबाजी से ज्यादा योगदान ना दे पाए ढाका की टीम को। ताजकिन अहमद जो कप्तान है ढाका के, तो इन्होंने तो बढ़िया गेंदबाजी करी, सभी मैचों में विकेट चटकारे किफायती भी हो रहे हैं। लेकिन मुसद्दक हुसैन की बात करें, जो कि थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करते, थोड़ा बहुत गेंदबाजी करते, तो मुसद्दक हुसैन ने भी कुछ खास परफॉर्मेंस ना करी, ढाका की टीम को निराश किया। उसके बाद सौरफुल इस्लाम भी बढ़िया गेंदबाजी करे, किफायती हो रहे, सभी मैचों में विकेट चटकारे। लेकिन उसके बाद अराफात सन्नी की बात करें तो वो भी फ्लॉप, एक आता मैच 2 मैच में विकेट मिलते, 2-3 मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। तो ओवरऑल ढाका की टीम में 3-4 लड़के हैं जो बढ़िया खेल रहे हैं, बाकी के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल फ्लॉप रहे। तो भैया जब ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो 9 में से एक आता जीतोगे, 8 मैच तो हारना ही पड़ेगा। वहीं दोस्तों खुलना टाइगर्स की बात करें तो एमएल लुइस की बात करें तो ठीक ठाक बल्लेबाजी इन्होंने करी है। एलेक्स हेल्स की बात करें तो पिछले मैच में बढ़िया पारी खेली, लेकिन अभी इनकी जो फॉर्म है एक आता मैच में चल रहे, एक आता मैच में नहीं चल रहे। अनामुल हक की बात करें तो अनामुल हक ने अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना करी। अनामुल हक का सीन कुछ ऐसा है कि जब चलते तो लंबी पारी खेलते, नहीं तो थोड़ा सा फ्लॉप ही रहते हैं। अफीफ हुसैन की बात करें तो अफीफ हुसैन ने ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दी, हालांकि गेंदबाजी कम कर रहे हैं, तो बल्लेबाजी फिर भी ठीक ठाक कर रहे हैं कौन, अफीफ हुसैन। मोहम्मद हसन जोए की बात करें तो मोहम्मद हसन जोए को भी जब जब मौका मिला थोड़ा सा नीचे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब जब मौका मिला ठीक ठाक बल्लेबाजी करके दी। वेन पॉलन ने पिछला 1-2 मैच खेले और वेन पॉलन जो भी मैच खेला उन सभी मैचों में बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब गेंदबाजी तो बढ़िया करते, जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करके दे रहे हैं। लेकिन लुई कुड की बात करें तो लुई कुड को उतने ज्यादा विकेट नहीं मिले, एकाता मैच में विकेट मिलता था, एकाता 2 मैच में नील बटे सन्नाटा भी रहता है लुई कुड का। रूबेल हुसैन की भी सेम कहानी, उतनी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे, एकाता 2 मैच में विकेट मिलता था, 2-3 मैच इनका भी सन्नाटा वाला चला जाता है। नसूम अहमद ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी करी, ज्यादा विकेट ना मिले लेकिन किफायती जरूर रहे। बाकी तंजीन हसन साकिब की बात करें तो इन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी करके दी है, सभी मैचों में किफायती रहे, विकेट चटकाए। नाहिद राणा की बात करें तो अब बांग्लादेश को एक नया सुपर स्टार तेज गेंदबाज मिला, जो 150 के आसपास गेंदबाजी करता और बढ़िया गेंदबाजी कर भी रहा था। अगर हमें खुलना टाइगर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बल्लेबाजी काफी शानदार चल रही है, लेकिन गेंदबाजी की बात करें 2-3 गेंदबाज बढ़िया कर रहे थे, एक गेंदबाज थोड़ा सा फ्लो भी हो जा रहा है। तभी जो उन्होंने 9 मैच खेला, 4 जीते, 5 हारे, मतलब एक जीते एक हार रहे, क्योंकि सभी गेंदबाज सभी मैचों में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। भैया अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करने के बाद देखें तो कहीं ना कहीं जो खुलना टाइगर्स की टीम है वो ढाका से तो बेहतर ही नजर आ रही। तो आज के मैच में क्या होगा चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जल्दी से है ना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अपने भाई के लिए इतना कर ही सकते हैं ना, कर दिया, बहुत बढ़िया। तो सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है वो
30 एंड 70 का, 30 टोरंटो ढाका, 70 खुलना टाइगर्स। तो अगर आप यहाँ पे चाहे जो मजबूत टीम है खुलना टाइगर्स उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का ये मैच है ना टोरंटो ढाका अपने नाम पे कर सकता है। देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, अगर आप ले सकते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जो आज का मैच है ना टोरंटो ढाका अपने नाम पे कर सकता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।